जी सड़क है इतने ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो दिने बननी औखी सी इस करके रात को बना रहे हैं तो रात को भी वेखना जो बड़ा जरूरी है। अभी 3 साल तो सड़क बना रहे हैं कोई तो टुटी विखाओ ना जो कड़ी टुटी है ये पहला जो जमाना से लंघ गया जे असी काम कराए ने तुम सारे ही वेखो काम कोई दसो ओ नुक्स के काम से जे उन्हें नहीं तो ये भी नहीं होगा। वो काम साढ़े मेयर साहब की देख रेख चो ने तो पहला भी काम होंगे तुम आप देखो तुम तो सारे पहला भी इंटरव्यू लेंदे तो हूँ भी लेंदे रात तकरीब 11 बज रहे ने और अक्सर तुम देखा होगा कि 11 बजे ज़्यादातर प्रधान होण कोई लीडर होवे या कोई होर भी वरिष्ठ शहरी होवे बस लगभग मूड माड़ बना के इस वेले लोग सौ जाते हैं या फिर इस वेले कि महफल सजाई होंगी है। पर शहर बटाले की अगर गल करिए शहर बटाले दे विच रात दे समय सड़कां दी ऐसी तैयारी हो रही है सड़कों नूं इन्ना सुंदर सजाया जा रहा है कि जिस तों पहला असीं तुहानूं दिखाया मशीनां किवें काम कर रही हैं पर इहदे नाल ही इन्हां तों काम करवाउण वाली टीम कीड़ी है जिहड़ी रात इन्हां नूं वड्डे अफसरां नूं PWD दे अफसरां नूं मजबूर कर रही है कि आओ जरा इत्थे जा के ते देखो जरा माहौल की है और सड़क किन्नी मोटी किन्नी चौड़ी और लुक किन्नी किन्नी पैनी है कितें थुक ना ला दिओ। ये वेखण वास्ते खुद परखण वास्ते पहुँचते ने बटाले दे नवें बने मेयर सरदार सुखदीप सिंह तेजा साहब साढ़े नाल इस वेले असीं तुहानूं दिखाने कि रात के करीब 11 बजे ने तुसीं सामने देख रहे हो कि मशीन के नाल खड़े ने सुखदीप सिंह तेजा और उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम खड़ी है और इस रात के समय बटाला शहर वासियां दे लई जिदां कहिंदे कि उन्हां दे पैरां दे विच फुल विछाउण वास्ते किन्नी सुंदर किन्नी वधिया एक सड़क जिहड़ी है उन्हूं तैयार करवा रहे ने और परखण की कोशिश कर रहे हैं और इत्थे क्वालिटी भी परख रहे हैं। सो तेजा साहब साढ़े नाल ने तेजा साहब नाल ही गल करांगे। तेजा साहब जिन्हें भी तुम खूब काम कर रहे हो ऑफिस भी बैठते हो कभी तुम हसली तो बन रहे प्रोजेक्ट देखते हो शहर दख समस्यावान देख रहे हो थकावट भी होंगी होगी दिने झाती मार लेंगे सड़क बनी गए रात को की करना सर जो भी कोई काम अं कराने ना मौके पर आके जरूर वेखते हैं ये नहीं कि अज ही अं वेख रहे हैं हर रोज दिने काम ही ज्यादा होंगे ने दिने वेखते हैं ये जी सड़क है इतने ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो दिने बननी औखी सी इस करके रात को बना रहे हैं तो रात को भी वेखना जोड़ा बड़ा जरूरी है। पर तेजा साहब मेरा कहने तो भाव सगा कि करोना का समय बड़ा डर है लॉकडाउन में लैके भी कानून की गल भी करिए करोना के कहर की गल भी करिए परिवार भी तो कहता होगा कि तुम आराम करो मेयर हो किसी की भी ड्यूटी ला सकते हो या झाती मार के नहीं शौक की गल हुंदी है सानू शौक ही है कि चंगा काम करवाना तो जिन्ना चिर वेखना लई उन्ना चिर यकीन नहीं आता तो कोई गल नहीं जे सानू जिम्मेवारी मिली है तो इन पूरी तन देना निभा रहे हैं। मैं लगातार देख रहा तुम काफ़ी देर तो इतने खड़े हो देख रहे हो अपने सामने मटीरियल पवा रहे हो और किस तरह की कोई कमी घाट महसूस हो रही नहीं कोई कमी नहीं गी एदियां साढ़े 3 लेयर पैनिया ने एक राती पैगी ही एक अज पऊगी एक कल फिर पैगी तो इस तरह ही तो तुहाडे सामने ही है सारा काम जी। पटे साहब कुछ लोग भावें मैं उन्होंने तुहाडे विरोधी कहां या ये कहां कि हो सकता सच्ची मुची शहर में लगे फिक्रमंद हो सड़क जी बन रही है उन्होंने शायद ये नहीं पता कि फस्ट लेयर है तो सैकंड थर्ड भी होनी है वो ना गल यही कर रहे थे कि जिदा अगे 80 लाख के पंचर लगते हैं ना कहें इदा दड़क बननी एक अद्धा मीह पैना तो मुड़के सड़क जी लभनी नहीं। अभी 3 साल तो सड़क बना रहे हैं कोई तो टुटी विखाओ ना जो कड़ी टुटी है ये पहला जो जमाना से लंघ गया हूँ जिन्या भी सड़क अं लुक दिया भी बनाई ने आ शहर के गुरदासपुर अपना अमृतसर बाय रोड है GT रोड उन्होंने 1.5-2 साल हो गए बनी एक भी वो पेंचर लगने वाली चीज़ दिखाओ तो जिन्या ही RMC दिया बनाई ने वो तो 20 साल नहीं टुट रही पर यह भी अपने टाइम तो पहले नहीं टुट रही कोई मेरे साहब की 5 साल की गरंटी दस रहे PWD तो उन्होंने कहा कि 1 साल की फुल गरंटी है और उसके बाद रिपेयर की गरंटी होगी तो लोगों को यही डर है कि कहें अगले 1-2 महीनों के बारिश होने वाली है तो बारिश के पिछले अगर बड़े टोए टाए जी इतने पै जाते होंगे लोग बड़े डिगते हैं मोटरसाइकिल वाले दूजे तीजे भी देखो ये तो एवं कह दी गल कि टुट जानी है टुट जानी कुछ साड़ी पिछली टुटी तो विखाओ जिन्या यही सड़क बनाईया ने जो कोई टुटी है तो फिर यह भी टुट सकती जी नहीं टुटी मेरे साहब एक बार शहर वासियों को यह दस दो भी जे कि सड़क के भोरा भी कमी आ गई तो फिर एक्शन ठेकेदार से होगा PWD वाले अड़के आएंगे देखो जो जिन्ना भी कोई जिम्मेवार है वो अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहा कोई ऐसी गल नहीं किसी के कहन ना नहीं गल होंगी आलोचना करनी चाहिए है पर साथ नहीं, 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 मैं आलोचना नहीं कर रहा असं जे एक आंदा ना सा हाँ जे इदा हो जाए जे वाली कहानी बिल्कुल कभी यह गल हो ही नहीं
जिहड़े असीं काम कराए ने तुसीं सारे ही वेखो काम कोई दसो उहदे च नुक्स किहे काम च ते जे उहनां च नहीं ते इहदे च वी नहीं होऊगा। बिल्कुल सही दावा करे पर दावे ते की शहर वाले मोहर लगांदे ने असीं जरूर जाणांगे। वीर जी की नाम तुहाडा? मेरा नाम हैप्पी गुप्ता जी। गुप्ता साहब काम होए ने, सड़क बन रही है, मेयर साहब दे दावे नाल सहमत हो? बिल्कुल सहमत हां जी। जी की कहना चाहते हो मेयर वास्ते? देखो जी जो भी अगे भी काम हुंदे रहे हैं ते इन्हां दे जिहड़ी देख रेख च काम होए है ते अगे दे कम्मां च ते इन्हां दी देख रेख दे काम च देख लो जे कोई लगदा तुहानूं फर्क ते फिर तुसीं दसो। तुसीं वी रोज़ काम च रहिंदे हो। मैं तुहाडे कोलों शहर वासियां कोलों पुछना जिन्हां वास्ते सड़क बन रही है, मेयर ते बाहरों बाहर ही अपनी कोठी जाणगे पर इत्थों दी ते तुसीं निकलना, तुहाडे कस्टमर ने निकलना, शहर वासियां ने निकलना। मैं तुहानूं पुछ रहा कि मेयर साहब दा दावा, उस दावे नूं तुसीं मोहर लगांदे हो? मेयर साहब बिल्कुल मोहर लगाने हैं जी। देखो जदों पहलां वी काम हुंदे सी उदों वी तुसीं जांदे सी लैण। इस तों पहलां जिहड़े चाहे ओह प्रधान होण चाहे होर कोई अहुदेदार होण, कदी इस तरीके नाल रात नूं इन्नी शिद्दत दे नाल इन्ने प्यार दे नाल इन्नी मेहनत दे नाल रात नूं नींदरा झाक के कदी कम हुंदा वेखे शहर दा? देखो इह ते इहनां दा जनून है भई शहर वासियां वास्ते मैं काम वधिया तों वधिया करां ते वध तों वध मेहनत करां और कर रहे ने। ते तुसीं इह चीज़ देखो भई जो काम साडे मेयर साहब दी देख रेख च होए ने ते पहलां वी काम हुंदे सी, तुसीं आप देखो तुसीं ते सारे पहलां वी इंटरव्यू लैंदे सी ते हुण वी लैंदे सी, तुहानूं दसो कोई हुण फर्क नहीं लगदा? ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਲਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਘੁੰਮ ਘਮਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰਾ ਚਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਟਾਲੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।